नमस्कार विशालन, वेलकम बैक टू द गोसाई क्लास। तो स्टूडेंट आप एक और वीडियो देखे हैं एफसीआई वॉच में थे, तो वीडियो में भी शुरू तो लेके एंड तक बने रहिए। एक ना प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो बहुत देखते हैं पर सब्सक्राइब घट करते हैं, तो सब्सक्राइब करो भी ताकि मैं भी मोटिवेशन मिले, तो फिर मैं जानकारी ज्यादा तो ज्यादा इकट्ठी करके तुम्हें दे सकता, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, तो हूँ मैं गल करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, तो हिंदी से गल करूंगा क्योंकि स्टूडेंट कई ना पंजाबी से दिक्कत आती है। तो मुझे बहुत सारी कॉल आ रही थी, सर जो सीबीआई ने स्कैम किया है उससे हमारे वॉचमैन में कुछ फर्क पड़ेगा, तो उसके लिए पूरी जानकारी देंगे। तो देखो भाई, सीबीआई ने क्यों स्कैम किया उसके बारे में आपको पता होगा, वो कणक के गोदाम के लिए जो हेरा फेरी हो रही थी उसके लिए सीबीआई ने स्कैम किया है। अब कुछ रिक्वायरमेंट को लेके भी स्कैम कर रही है, तो उससे ध्यान से सुनना। एफसीआई में क्या हुआ था 2020 और 2021 में, कुछ पद जैसे इनकी जानकारी मिली अभी 51 पद के लिए डायरेक्ट भर्ती कर लिए थे, 51 पद के लिए डायरेक्ट भर्ती कर लिए थे। अब वो पता नहीं कब निकली पोस्टें, क्या हुआ, कैसे भर्ती कर लिए, वो गोदामों में लगा दिए, कुछ सेवादार थे, कुछ एजी रैंक पे भी लगा दिए, जो उन्होंने करप्शन की है उनको लेकर सीबीआई स्कैम कर रही है। ठीक है भाई, जो डायरेक्ट भर्ती किए हैं, आपकी पोस्ट है ना जो, ये तो सेंटर से अप्रूव्ड हुई है और इसमें भर्ती के कैंसिल होने के कोई चांस नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, सीबीआई सिर्फ उनको ही स्कैम करेगी जो डायरेक्ट भर्ती किए गए हैं, जिनसे पैसे लिए गए हैं और डायरेक्ट भर्ती कर लिए 2020 और 2021 में, जो हुआ था जब कोरोना का टाइम पीरियड था, क्योंकि तब क्या था एग्जाम करा नहीं सकते थे, एग्जाम कैंसिल थे, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट भर्ती किए थे, तो उनको लिए, उनकी जानकारी के लिए स्कैम ये चला है। तो जो भर्ती किए थे उनको कैंसिल किया जाएगा। ठीक है भाई, आपका तो एज एग्जाम हुआ है, फिजिकल हुआ, पीटी हुआ है, उसके बाद अब कैंसिल होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है भाई, पर सीबीआई जो हर एक एग्जाम को स्कैम करेगी, जो अभी एजीआई की भर्ती हुई थी उसको भी स्कैम करेगी, भाई उसमें कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई, तो बस मैं ये डाउट क्लियर कर रहा हूं भाई। इससे आप सोच रहे हो भी कैंसिल हो जाएगा, सीबीआई स्कैम करेगी और कैंसिल हो जाएगा, ये भर्ती कैंसिल नहीं हो सकती, ये पूरी की पूरी फिलो की जाएगी दूसरी भर्ती। हाँ, दूसरी बात ये है, अब स्कैम करने से ना थोड़ा सा ये हो सकता है, अगर रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है, जैसे मैंने कहा था भाई लास्ट जनवरी तक आ जाएगा, उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, वो अभी मैं जानकारी मुझे नहीं है भाई कब तक आएगा, पर जो आपने जानकारी थी वो जनवरी के लास्ट तक थी। अगर ये अब सीबीआई स्कैम कर रही है उसके कारण थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर 28-29 तक रिजल्ट नहीं आता तो मैं उनसे बात करूंगा, उससे पहले उनसे कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है भाई, तो मैं आपका सिर्फ ये डाउट क्लियर करने आया था भाई, जो सीबीआई ने स्कैम किया है उससे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट भर्ती किए गए थे उन पर स्कैम किया गया रिक्वायरमेंट को लेकर, चाहे वो वॉचमैन हो चाहे वो एजी रैंक का हो, जो डायरेक्ट भर्ती किए थे उन पर स्कैम चलेगा। ठीक है, पंजाब में ही चल रहा है, ठीक है, हरियाणा में नहीं है, तो हरियाणा में अभी तक तो मुझे कोई ऐसी जानकारी मिली नहीं, अगर हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है भाई, उसके बाद जो मैंने हरियाणा पे आरटीआई लगाई थी, अभी उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, 13 तारीख को लगाई थी भाई, अभी तो मुझे 1 वीक ही हुआ है, तो अभी मैं वेट करूंगा 21 डे, उसके बाद मैं कोई फैसला लूंगा, अभी पंजाब में मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो जैसे कि मैंने कहा था भाई 28-29 तक वेट करो, उसके बाद देखेंगे। तो प्लीज थोड़ा सब्र रखो, आपका रिजल्ट जरूर आएगा, डीवी के डीवी है ना, वो जरूर आएगा। ठीक है, टेंशन मत लो, आपने मेहनत की है, मुझे पता है भाई आपको घर के टेंशन दे रहे हैं भाई कब आएगा रिजल्ट, घर के पूछ रहे हैं, आपको टेंशन है, आप फ्री है, माइंड नहीं सेट है। ठीक है भाई, आप भी मुझे पता है भाई, वीडियो देख के आपको थोड़ा मोटिवेशन जरूर मिलता है, तो जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी कैंसिल नहीं होगी। ठीक है भाई, तो कैंसिल नहीं होगी, जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको साथ के साथ वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सिर्फ मैं ये बता रहा था भाई सीबीआई के स्कैम से आपकी पोस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरी की पूरी भर्ती होगी। ठीक है, तो जैसे जानकारी मिलेगी मैं जरूर वीडियो लाऊंगा। आज के लिए मेरे पास इतनी जानकारी है, अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो, ऐसी वीडियो हो रहती रहेंगे। सब सत श्री अकाल, आदाब एंड राधे राधे, प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दियो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।